डर लगता है कि कहीं फिल्म इंडस्ट्री बंद ना हो जाए, ऐसा और किसी ने नहीं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा। नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं फिल्मी संवाद। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों बड़ी फिल्मों से भारी नाराज चल रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि यही फिल्में इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही है। अब उनका एक नया इंटरव्यू आया है। नवाज ने ये तक कह डाला कि उन्हें डर है कि इंटरव्यू कहीं बंद ना हो जाए। नवाज और नेहा शर्मा जोगीरा सारारारा नाम की फिल्म में काम कर रहे हैं। ये फिल्म पहले 12 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अन्य वजहों से इसे आगे खिसका दिया गया। अब ये फिल्म 26 मई को सिनेमा घरों में लगेगी। इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान नेहा और नवाज ने इंटरव्यू दिया। नवाज ने कहा कि उन्हें नेहा की एक्टिंग से कुछ खास उम्मीद नहीं है, मगर जब उन्हें परफॉर्मेंस करते देखा तो प्रभावित हुए, खासकर भाषा पर उनकी पकड़ देखकर। इसी इंटरव्यू में नेहा के फिल्मों के चुनाव पर बात शुरू हुई। नेहा ने इमरान हाशमी के साथ रूह फिल्म से अपना हिंदी फिल्म करियर शुरू किया, मगर उनका करियर सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। 2017 में उन्होंने मुबारका नाम की फिल्म में काम किया। उसके बाद से उन्होंने मात्र 3 फिल्मों में काम किया। कहा गया है कि नेहा ने सही फिल्में नहीं चुनी, इसलिए उनका करियर ढंग से आगे नहीं बढ़ पाया। इस इंटरव्यू में नवाज से पूछा गया कि उन्हें नेहा की फिल्मों के बारे में क्या लगता है। इतना सुनते ही नवाज फायर हो गए। उन्होंने कहा, ग्रेट फिल्में कौन सी होती है हिंदुस्तान में? वो लोग शायद तब की बड़ी फिल्मों के बारे में बात कर रहे होंगे। और फिर कहा कि नेहा की फिल्मों की चॉइस अच्छी नहीं है, लेकिन बड़ी फिल्में कहाँ चल रही है? सबसे ज्यादा नाम इंडस्ट्री का तो इन्होंने ही खराब कर रखा है। कहीं सिनेमा ना बंद हो जाए, ऐसा डर लगता है कभी कभी।